दोस्तों, क्रिसेंट पब्लिक स्कूल भोपाल का जहांगीराबाद एरिया का बड़ा फेमस मशहूर स्कूल है। साइंस क्या होता है, साइंस की टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसलिए एक प्रोग्राम चल रहा है। आपको दिखाता हूं मैं, क्योंकि सीधे बोर्ड पे लिखा है स्कूल के बोर्ड में कि वेलकम, आपका आना मुबारक हो साइंस एग्जीबिशन। ये बोर्ड लगा है। अब इस कार्यक्रम के अंदर, हॉल के अंदर क्या क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। क्रिसेंट पब्लिक स्कूल के छात्रों ने क्या क्या बनाया है इस आधुनिक टेक्नोलॉजी की दुनिया में, आप देख सकते हैं इनके हाथों से बने हुए चीजें। बेटा आपका नाम? अरिशा खान। अरिशा खान, क्या बनाया आपने? दिस इज वाटर साइकिल। वाटर, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की चीजें, देखिए एपीजे अब्दुल कलाम का मिसाइल। तो आज साइंस की दुनिया में स्टूडेंट तरक्की करने लगे हैं और बड़ी मेहनत से इसको बनाया गया है। तो इस तरह की चीजें पूरे स्कूल के अंदर इस एग्जीबिशन में बनाया गया है। अब मैं आपसे एक एक चीज के बारे में बात करता हूँ। ये हमारे बच्चे, जब से हमारा टर्म स्टार्ट हुआ है तब से ही हम लोगों ने बच्चों को प्रोवाइड किया था जी। और बच्चे माशाल्लाह पूरी वन मंथ से लगे हुए हैं अपने अपने प्रोजेक्ट अपने घर पे बनाने में। हाँ। स्कूल में मैक्सिमम काम स्कूल में कर रहे हैं, तो काम तो कंटिन्यू। इस प्रोग्राम को करने के लिए दिक्कतें क्या क्या हुई, और जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है इस प्रोग्राम करने के लिए, हम जानना चाहते हैं उन्हीं से। जी मैम, आपका नाम? डॉक्टर सबिया। डॉक्टर सबिया, फर्स्ट टाइम आपने प्रोग्राम करवाया, मेहनत कितनी हुई और ये आइडिया कहाँ से आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत तो बहुत हुई है, और मेहनत सारी बच्चों की है, और जो टीचर्स इनके पीछे और इनके साथ लगे रहे पूरे टाइम उनकी है। आइडिया की अगर बात करें तो मुझे हमेशा से लगता है, एज एन एजुकेटर आई ऑलवेज फील कि बच्चों को क्लासरूम टीचिंग से भी थोड़ा सा बाहर आए, लेकर आए तो बेटर रहेगा। हर बच्चे के अंदर अलग तरह की क्रिएटिविटी होती है और अंडरस्टैंडिंग भी अलग होती है, तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है लर्निंग का। तो और हमें अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला है, और सारे बच्चों ने बहुत मेहनत की, टीचर्स जो इनके साथ थे उन्होंने बहुत मेहनत की, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बहुत कुछ सीख लोगों ने। क्या बनाया हमने? रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, एनिमल्स में बनाया। हमने एक मॉडल बनाया है, क्रॉप लाइफ साइकिल पे बेस्ड हमने एक मॉडल बनाया है। इस मॉडल में हमने बताया है कि मेरे एक क्रॉप की स्टेज बताएंगे जो फीमेल जो एंट्री देती है वो कैसे बनते हैं। बताइए सर, मेरा प्रोजेक्ट थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। सचमुच में देश बदल रहा है, सचमुच में भारत बदल रहा है। जो नई जनरेशन आ रही है वो साइंस को लेकर आ रही है, साइंस के प्रोजेक्ट करने के लिए, साइंस को ओढ़ना बिछोना बनाने के लिए। आप देख सकते हैं इस क्रिसेंट पब्लिक स्कूल के अंदर कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसी चीज नहीं है, चाहे वो किसानी हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे कुछ भी हो, आपको इस स्कूल के अंदर सारी चीजें मिल जाएगा। बिजली विभाग से लेकर के एक पार्क गार्डन बनाने तक आपको हर चीज। हमारा देश भारत के अंदर बिजली के लिए आम जनता को बड़ी तकलीफ होती है, कहीं बिजली महंगी है तो बिजली कभी लाइट आती नहीं है। आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर इन बच्चों ने बिजली का डिपार्ट का जो पूरा सिस्टम वो बनाया है, हम जानना चाहते हैं। जी आपका नाम? नूरुलैन। ये माइंड में कैसे आया कि बिजली डिपार्ट का ये तो बनाया जाए प्रोजेक्ट? पार का हो, चाहे वो किस चीज का हो, है ना? जी आपका नाम? जोफिया। जोफिया, किस क्लास में हो? सेवन्थ में। क्या बनाया आपने? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, किस तरह से बनाया आपने इसको? ये इसमें ना थ्री प्रोसेस होते हैं जी। इसमें वाटर सबसे पहले इवेपोरेशन होता है, जब सन रेज वाटर के ऊपर पड़ती है तो उसमें से गर्म भापें निकलती है, फिर वो भापें मिलकर कंडेंसेशन करती है, क्लाउड बनाती है। जी आपका नाम? मेरा नाम माइशा सरवर। सरवर, किस क्लास में हो? सेवन्थ बी। सेवन्थ बी में, क्या बनाया आपने? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये आइडिया कहाँ से आया, किसने दिया ये आइडिया? हमें खुद आया था, हमने हमारी बुक में पढ़ा था, तो हमने कहा ठीक है बनाते हैं, ये टॉपिक अच्छा, कहीं चीन न चला जाए। सर जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। आई हैव मेड टू प्रोजेक्ट्स, वन केमिस्ट्री एंड वन बायोलॉजी। एज यू कैन सी
black area was two bottles connected with graphite, one battery, and the bubbles are going to be evolved slowly. These are used for electrifying, electroplating, purification of metal, and many other things. Secondly, my question is about biology. You have studied several theories in science, but I am going to tell you the theories in Islamic point of view also. First of all, theory of evolution. The theory of evolution tells us about the scientific that we are originated from apple-like ancestor. Is it true? No, it's not true. We are originated from two individuals, one male and one female, known as Hazrat Adam and Mahavat.